हेलो दोस्तों, प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ इंट्राडे टिप्स एंड रिकमेंडेशन के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के दिन कल हम जानेंगे बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स, जो कि दो स्टॉक जो आप लोगों को कल की डेट में शानदार प्रॉफिट दे सकते हैं। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं मार्केट अपडेशन दे देता हूँ आपको, किस प्रकार से रहा था मार्केट। तो आप देख सकते हो मार्केट एक शानदार पॉजिटिव के साथ बंद हुआ। अगर मैं बात करूँ तो ये मार्केट बंद होते होते थोड़ा पॉजिटिव हुआ। 29 स्टॉक ऐसे थे जो पॉजिटिव थे और 21 स्टॉक ऐसे थे दोस्तों जो नेगेटिव थे, जिसमें आप लोगों को कल की डेट में अगर दो स्टॉक ऐसे बताऊं जिसमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले स्टॉक के ऊपर लेके चलता हूं दोस्तों, जो है हमारा JSW स्टील का, जिसमें आप लोगों को एक शानदार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जो कि आज के दिन भी अपने को शानदार प्रॉफिट इसमें देखने को मिला है। आप देख सकते हो आज का इसका करेंट मार्केट प्राइस कितना शानदार है। ओपन देख सकते हो, प्रीवियस क्लोज, हाई, लो, क्लोज प्राइस चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेड वॉल्यूम, नंबर ऑफ शेयर में, नंबर ऑफ लेग में, और मार्केट कैपिटल 52 बिग का हाई, 52 बिग का लो भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर अगर डिलीवरी क्वांटिटी की बात करूँ तो करीबन 13.5 लाख क्वांटिटी डिलीवरी ली गई है, ठीक है। अब इसके अगर मैं चार्ट पैटर्न पर लेके चलूँ आप लोगों को, तो आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो इसका। मैं इसके चार्ट पैटर्न पर लेके चलता हूँ NSE की साइट पर, NSE की साइट पे चार्ट पैटर्न पे लेके चलता हूँ JSW स्टील का। NSE की साइट पे आप लोगों को चार्ट पैटर्न पे दिखेगा, ये आप देख सकते हो इंट्राडे मार्केट का चार्ट पैटर्न कितना शानदार है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ब्रेकआउट की रेस्टोरेंट की, तो यहाँ पर चेक कर सकते हो आप ब्रेकआउट कितना शानदार बना हुआ था। यहाँ पर ब्रेकआउट की अगर देखिए, यहाँ पर ब्रेकआउट देख सकते हो, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो किस प्रकार से था। हमारे एक इस पॉइंट पे रिसर्च हुआ और एक इस पॉइंट पे रिसर्च हुआ, जिसमें एक शानदार प्रॉफिट बुकिंग हमें कल की डेट में भी अपसाइड में देखने को मिल सकती है। तो अब इसका टारगेट और स्टॉप लॉस आप लोगों को सजेस्ट कर देता हूँ। अगर कल की डेट में दोस्तों ये एक अच्छी पोजिशन पर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर अपने को मिलता है, ठीक है, तो इसमें अगर कल की डेट में आप बाइंग कर सकते हो करीबन, अगर मैं बात करूँ 260 रुपये से बाइंग कर सकते हो। टारगेट की बात करूँ 265 का, स्टॉप लॉस अगर मैं बात करूँ तो 258 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो दोस्तों। एक शानदार प्रॉफिट बुकिंग वॉल्यूम के साथ आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अब जो सेकेंड स्टॉक है दोस्तों, वो है मेरा भारती इंफ्राटेल का। भारती इंफ्राटेल का गिरावट देखने को मिली, आज भी देख सकते हो थोड़ी गिरावट देखने को मिली, इसके बाद अपसाइड मूवमेंट हुआ। तो आप यहाँ पर करेंट मार्केट प्राइस आज चेक कर सकते हो किस लेवल पर दिख रहा है आप लोगों को। करेंट मार्केट प्राइस, प्रीवियस क्लोज, ओपन, हाई, लो ये चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो बाकी की डिटेल, ट्रेड वॉल्यूम, नंबर ऑफ शेयर में, ट्रेड वॉल्यूम, नंबर ऑफ लेग में, मार्केट कैपिटल भी चेक कर सकते हो। इसमें अगर डिलीवरी की क्वांटिटी की बात करूँ तो शानदार डिलीवरी क्वांटिटी करीबन, अरे अगर बात करें तो 21.5 लाख की डिलीवरी क्वांटिटी ली गई है दोस्तों। अब इसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप लोगों को, तो इसके भी यहाँ पर चार्ट पैटर्न पर लेके चलता हूँ, जिसमें आप लोगों को कल की डेट के लिए क्या अपडेट है ये मैं आप बता देता हूँ किस पॉइंट पे रिसर्च हुआ हमारा दोस्तों। तो आपके लिए मैं चार्ट ओपन करता हूँ, ये आप लोगों के सामने इंट्राडे मार्केट का चार्ट ओपन हुआ आज की डेट का। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इंट्राडे मार्केट का चार्ट किस लेवल पर है। इस प्रकार से रिसर्च हुआ, यहाँ पर वॉल्यूम जो था वो थोड़ा नेगेटिव साइड था, इसकी ऑप्शन चेंज भी मैंने मिलाई। ऑप्शन चेंज के बाद भी जो देखा गया जो प्रीमियम प्राइस था, उस प्रीमियम के हिसाब से अगर कल की डेट में आप लोगों को ये गिरावट देखने को मिलती है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो आप डेफिनेटली इसे सेल कर सकते हो। मैं आपको टारगेट और स्टॉप लॉस बता देता हूँ, अगर कल की डेट में 258 मिलता है तो डेफिनेटली सेल करिए। करीबन 250 का टारगेट लेके चल सकते हो 8 रुपये का। स्टॉप लॉस की मैं बात करूँ तो करीबन 262, मतलब करीबन 4 रुपये का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो दोस्तों। ये दोनों स्टॉक में प्रॉपर टेक्निकल फंडामेंटल के अकॉर्डिंग रिसर्च हुआ है दोस्तों, ठीक है। जो भी टारगेट स्टॉप लॉस दिया है उसके हिसाब से नहीं भी जाओ, जो भी आपका टारगेट मेंटेन होता है 1 से 1.5% का प्रॉफिट का, तो आप उसे मेंटेन करके चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जिस प्रकार से मैंने प्रॉपर रिसर्च किया है वो आप लोगों को बता दिया दोनों स्टॉकों में। जो भी हमारा रिसर्च होता है करीबन 3 से 4 स्टॉक में होता है, जो कि हमारे जो अगर मैं बात करूँ ब्लू चिप के स्टॉक रहते हैं, ब्लू चिप के स्टॉक में से रिसर्च होने के बाद 2 स्टॉक ऐसे रहते हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। दोनों ही अच्छी कैटेगरी के स्टॉक होते हैं, दोनों ही ए कैटेगरी के स्टॉक होते हैं,
ठीक है, कभी दोनों बाय स्टॉक रहते हैं, कभी दोनों सेल स्टॉक रहते हैं, जिसमें एक शानदार प्रॉफिट बुकिंग डेली बेसिस पे देखने को मिलती है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स का, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि डेली बेसिस पे इंट्राडे मार्केट टिप्स एंड मार्केट अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।